वेलकम एवरी वन टुडे वी आर हेयर विद टॉपिक ऑफ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी यूनिट रियोवेरिटी आज हम रियोवेरिटी फैमिली में दो इम्पॉर्टेंट डिजीज ब्लू टंग डिजीज ऑफ कोट एंड अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस को हम डिस्कस करने वाले हैं और रोटा वायरस जो जीनस है उसमें नियोनेटल डायरिया को हम डिस्कस करने वाले हैं अगर हम स्टार्ट करें रियोवेरिटी फैमिली में जो रियोवर्ड है वो है रेस्पिरेटरी एंटरिक ऑफन मतलब ये जो रियोविरिटी फैमिली के जो वायरस हैं ये ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी और इंटरस्टाइनल टैक्स के डिजीजेस कॉज करते हैं विदाउट एनी सिम्टम इसलिए इनका नाम रेस्पिरेटरी एंट्रिक ऑर्फन रखा गया है रियोवरिटी फैमिली में फैमिली रियोवरिटी उसमें जीनस है ऑर्थोरियो वायरस ऑर्बी वायरस रोटा वायरस एंड क्वाल्टी वायरस जो इंपॉर्टेंट जो जीनस है वेटनरी इंपॉर्टेंस के वो है ऑर्बी वायरस और रोटा वायरस ऑर्थोरियो वायरस के ए, ए, एव, एव Myocarditis, Myocarditis. जीनस के जो वायरस है वो एव्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं अर्थराइटिस एंटराइटिस ट्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड माओकार्डिस मायोकार्डाइटिस जो और वायरस जीनस के जो वायरसेस हैं, वो एक तो आर्बो वायरस है आर्बो वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिनका ट्रांसमिशन आर्थोपोड्स से होता है आर्थोपोड से टिक्स से या फिर मॉस्किटो से ऐसे वायरस को हम आर्बो वायरसेस बोलते हैं जीनस वायरस में वायरस जो है वो ब्लू टंग वायरस और अफ्रीकन हॉर्स वायरस आता है ये दोनों जो वायरसेस हैं वेटनरी इंपॉर्टेंस के हैं ब्लू, ब्लू टंग वायरस शीप में मेजरली इंफेक्शन कॉज करते हैं ब्लू टंग डिजीज ऑफ शीप और दूसरा अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरसेस जो हैं वो इक्वाइंस में अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं रोटा वायरस जीनस के जो मेंबर्स हैं वो एंटराइटिस डायरिया कॉज करते हैं न्यूबॉर्न्स में न्यू बॉर्न्स में काफ्स में किड्स में और शीप के न्यूबॉर्न्स में मतलब कि वाइड रेंज ऑफ होस्ट है रोटा वायरसेस के लिए लास्ट है क्वालिटी वायरस जो जीनस है वो टिक फीवर कॉज करता है और भी वायरस एक आर्थोपोड बोन वायरस है मतलब इनका ट्रांसमिशन जो है आर्थोपोड से होता है आर्थोपोड की क्यूलिकॉइड स्पीशीज और भी वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं इन वायरसेस में और भी वायरस वायरसेस में जो डीएनए है वो सॉरी जो जीनोम है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है और इसमें और भी वायरस में 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट है लीनियर डबल स्टैंडर्ड आरएनए में 10 सेगमेंट प्रेजेंट है और भी वायरस में तो जब भी किस जीनोम सेगमेंटेड होगा तो उस उस जीनोम में जेनेटिक रियासॉटमेंट हो सकता है उस वायरस का जेनेटिक रियासॉटमेंट हो सकता है क्योंकि इन वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड आर जीनोम है तो ये बाल्टीमोर ग्रुप थर्ड से बिलोंग करते हैं वायरस जीनस के वायरसेस में ट्रिपल लेयर कैप्सिड होता है आउटर कैप्सिड मिडल कैप्सिड एंड इनर कैप्सिड आउटर कैप्सिड जो है वो VP2 प्रोटीन एंड प्रोटीन से बना होता है और इनर जो कैप्सिड है वो वीपी थ्री प्रोटीन से बना होता है अब रियोविडी की बात करें उसमें की करें, तो ब्लू डिजीज कॉज करता है ब्लू डिजीज ऑफ शीप न्यूटन डिजीज ऑफ शिप को हम कैटरल फीवर ऑफ शिप भी बोलते हैं ये मेजरली इन्फेक्शन है शीप्स का शीप में भी ये क्या क्या साइंस प्रोड्यूस करते हैं स्टोमेटाइटिस नारनाइटिस एंटराइटिस एंड लेमनेस ट्रांसमिशन किससे होता है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है तो इंसेक्ट इनका वैक्टर है और क्यूलिकॉर्ड जो स्पीशीज हैं मेनली वो ये डिजीज़ कॉज करती है अगर हम ब्लू टंग वायरस को देखें तो वो एंडोथीलियल सेल्स को ऑफ ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करता है और मैक्रोफेजिस को इन्फेक्ट करता है तो जब ये ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करेगा तो वेस्कुलाइटिस कॉज करेगा इन्फ्लॉमेशन ऑफ ब्लड वैसल्स हेमरेज अडीमा डिपोजिशन ये सब इन्फ्लॉशन इन्फ्लामेशन की वजह से है ब्लड वेसल्स में और इनसे क्या होगा साइनोसिस हो जाएगा साइनोसिस ऑफ दैट टिश्यू ठीक है तो ऐसे ही तो ब्लू ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज एंड टंग तो तो मेन जो साइंस जो प्रोड्यूस होंगे ब्लूटन uh, डिजीज में वो होगा स्वलन एंड प्रोट्यूटेड साइनोटिक्लूटन स्टोमेटाइटिस स्टोमेटाइटिस इज द इंफ्लॉमेशन ऑफ ओरल कैविटी शीप की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हेमरेजिस मिलेंगे और रेड एंड कोरोनरी बैंड ऑन द फीट ये इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस ऑफ द डिजीज है और ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं साइनोसिस जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक साइंस जो ब्लू टंग डिजीज के हो गए वो हो गए हाई फीवर नेजल एंड ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन मतलब स्टोमेटाइटिस एक्सेसिव सेलाइवेशन नेजल डिस्चार्ज फ्रॉम नोस्ट्रिल्स अडिमेटस स्वेलिंग्स इन लिप्स टंग फेस एंड ईयर फेस में पूरा अडीमा अडीमा की स्वेलिंग होगी तो पूरे फेस का इन्फ्लामेशन होगा और जो इस इसमें देखने को मिलता है इस इस वजह से का नाम है और हेमरेजिस मोस्टली इन्फ्लामेशन के जो साइंस है अडीमा हो गया हेमरेजिस हो गया साइनोसिस ओरल एंड नेजल म्यूकोसा पे देखने को मिलेंगे क्योंकि स्टोमोटाइटिस एक कैरेक्टरिस्टिक लीजन है इस डिजीज का और जो रेडनेस हाइपरमिया हाइपरमिक कंडीशन जो प्रोड्यूस होगी कोरोनरी बैंड्स में कोरोनरी बैंड ऑफ फीट ऑफ शीप जो प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो शीप है उसमें लेमनेस कॉज होगी तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइंस है ऑफ ब्लूटंग डिजीज और इसका सिक्वली क्या है डेथ फ्रॉम निमोनिया जिसे अगर आप ये देख सकते हैं तो साइनोसिस ऑफ टंग प्रोटूटेड आउट ऑफ द माउथ एंड इनफ्लमेशन एंड अडीमा ऑफ फेस इन शीप अफेक्टेड फ्रॉम ब्लू टंग वायरस इन्फ्लोमेशन ऑफ द कोरोनरी बैंड ऑफ फीट ऑफ शीप दिस कॉज लेमनेस एंड पेनफुल हुफ्स शीप में आर्ट आर्ट बैग भी देखने को मिल सकता है ब्लू टंग वायरस डिजीज में और कैरेक्टरिस्टिक जो साइंस है वो क्या है स्व, साइनोटिक स्वेलन टंग प्रोट्यूटेड आउट ऑफ द माउथ पटेचियल हेमरेजिस एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और रेड स्वेलन कोरोनरी बैंड ऑफ फीट ऑफ शीप्स स्टोमेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा ऑफ इफेक्टेड शीप हेमरेजिज एंड अडीमा कैन बी सीन इन द माउथ ऑफ शीप स्वेलन टंग प्रोटेक्टेड आउट ऑफ द माउथ माउथ ऑफ द शीप एंड एक्सेसिव सलाइवेशन कैन बी सीन यने भी आर एन ए वायस है उनका जो रेप्लीकेशन है वो साइटोप्लाज में होता है तो क्योंकि और भी वायरस जो जीनस है उसके जो वायरस वार, है उसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्डर है तो उसका भी होगा, तो वायरस इन द साइटोप्लाज्म अब वायरसोलाइटोप्लाज्मे अगर डबल स्टैंडर्ड आर एन ए पॉजिटिव स्टैंड ऑफ आर एन नेगेटिव स्टैंड ऑफ आर एन ए सिर्फ नेगेटिव स्टैंड ऑफ आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन करेगा और पॉजिटिव एम आर एन ए बनाएगा ये पॉजिटिव आर एन ए से हम ट्रांस से पॉजिटिव आरएनए से ट्रांसलेशन होके वायरल प्रोटीन्स बन सकते हैं और क्योंकि एक्सेस में प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव आरएनए एक्सेस में प्रोड्यूस होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन से नेगेटिव आरएनए बनेगा तो ये पॉजिटिव आरएनए इससे ट्रांसक्राइब होके ये नेगेटिव आरएनए बन गया और ये जो है हमारा वायरल प्रोजेनिका जीनोम हो गया तो वायरल प्रोजेनिका जीनोम और ये ट्रांसलेटेड प्रोटींस जो कि दोनों ही पॉजिटिव सेंस से बने हैं ये सेल्फ असेंबल होके में असेंबल हो जाएंगे और होस्ट सेल से रिलीज हो जाएंगे अगर हम एक बार फिर से वायरस का रेप्लीकेशन देखें तो क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है इस वायरस का तो ये साइटोप्लाज्म में रेप्लीकेट होगा पॉजिटिव आरएनए और नेगेटिव डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए होगा इसमें ओनली नेगेटिव सेंस आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा और पॉजिटिव सेंस आरएनए बनाएगा ये पॉजिटिव सेंस आरएनए के दो काम है एक तो ये ट्रांसलेट होके ट्रांसलेशन करके वायरल प्रोटीन बना लेगा और एक ये एक जो पॉजिटिव आरएनए है ये एक तरीके टेंपलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड तो ये जब ट्रांसक्राइब करेगा तो ये पॉजिटिव आर एन ए ट्रांसक्राइब होकर नेगेटिव आर एन ए बना लेगा तो ये क्या बन जाएगा जो प्रोजनी सेल्स से है उसका जीनोम बन जाएगा और ये प्रोटीन्स बन जाएंगे ये दोनों ये जीनोम और ये प्रोटीन्स असेंबल होके नया वायरन पार्टिकल बना लेंगे जो कि सेल से रिलीज हो जाएगा अगर हम डायग्नोसिस की बात करें ब्लूटंग डिजीज के तो क्लिनिकल साइंस से कर सकते हैं Blood से हम इस को आइसोलेट कर सकते हैं वायरस जो है वो कुछ सेल लाइंस पे ही ग्रो करता है तो वो सेल सेल लाइन जो हम यूज करेंगे आइसोलेशन सिस्टम जो हम यूज करेंगे वो है वीरोच के सेल्स इम्योलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं एलिजा कर सकते हैं और पी PC, सी कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं सी एफ टी कम्पटेटिव एलिजा अगार सेल इम्यूनो डिफ्यूजन ये सारा टेस्ट हम करके इस वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ब्लू टंग डिजीज़ वैक्टर कंट्रोल करके हम इसका जो कि आर्थोपोड वायरस है तो इसका इसके वैक्टर को फिनिश करके या फिर वैक्सीनेशन से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस ये एक ये भी एक इंसेक्ट बोर्न और भी वायरस से होने वाली डिजीज है तो ये भी क्यूलिकॉइड स्पीशीज ऑफ ऑर्थोपोड से ट्रांसमिट होती है ये जो मेजरली डिजीज है इक्वाइंस की डिजीज़ है म्यूल्स डोंकी की हॉर्स में कॉज होती है स्प्रेड क्यूलिकॉइड्स के बाइटिंग से एनोफिल्स एंड एन एडिस मॉस्किटो से भी इसका स्प्रेड हो सकता है हॉर्स में सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी कॉज करती है ये डिजीज़ उसके बाद म्यूल्स में उसके बाद डंकी में उसके लीस्ट अफेक्टेड जो रहते हैं वो जीबराज रहते हैं तो हॉर्सेस में सेवेंटी परसेंट टू नाइन्टी फाइव परसेंट मोर्टिलिटी ये डिजीज़ कॉज कर सकती है ये जो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज का जो वायरस है वो मेजरली वेस्कुलर एंडोथीलियम को इफेक्ट करता है रेप्लीकेशन क्योंकि ये वायरस भी जो है वो और भी वायरस और भी वायरस जीनस से है तो इसका भी जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा इसका रेप्लीकेशन भी सेम होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि डबल स्टैंडर्ड आर में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंड होते हैं ये इसका सिर्फ नेगेटिव स्टैंड जो होगा नेगेटिव स्टैंड जो होगा आर का वो ट्रांसक्राइब करेगा और पॉजिटिव सेंस एम बना लेगा ये पॉजिटिव सेंस एम से प्रोटीन ट्रांसलेट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव सेंस आर एन एक तरह से एक्ट करेगा एज अ एम एमआरएनए और इससे हम इससे ट्रांसक्राइब होके नेगेटिव सेंस आर बना लेगा ये जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस आर मतलब डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ये प्रोजेनिक जीनोम बन गया और ये प्रोटीन बन गया और ये वायरल असेंबली हो जाएगी अगर हम अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस के पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल वैक्टर एक आर्थोफोर्ड है क्यूलिकॉइड ये ये डिजीज़ करेगा ऑफ वेस्कुलर एंडोथिलियम और इस इस वजह से इस इस डिजीज़ की काफ़ी फॉर्म्स होती हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस की फोर फॉर्म्स होती है इस डिजीज की पर एक्यूट पल्मोनरी फॉर्म जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है सब एक्यूट कार्डिक फॉर्म माइल्ड फॉर्म हॉर्स सिकनेस फीवर और मिक्सड फॉर्म और एक्यूट पल्मोनरी फॉर्म उसको डंको फॉर्म भी बोलते हैं इस इसमें फ्रोती फ्रोट फ्रोती एक्सुडेट फ्रॉम नोस्टिल्स और 95 फाइव परसेंट मोर्टैलिटी है इसमें ओरल म्यूकोसा नेजल म्यूकोसा इन सब में कंजेशन देखने को मिलेगा और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा क्योंकि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है तो एनिमल में एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा और स्पैज spas कफ फर्स्ट फॉर्म अगर हम बात करें पर एक्यूट पल्मोनरी फॉर्म डंको फॉर्म की तो इसमें फीवर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिस्नोफिया स्पेजमोडिक कफिंग डायलेटेड नोस्ट्रिल विथ फ्रूटी फ्रूट ऊजिंग आउट रेजनेट ऑफ कंजक्टाइवा कंजक्टिवाइटिस एंड रैपिड डेथ ये सारी इसके करेक्टरिस्टिक रीजन है फर्स्ट फॉर्म की फ्रोथी एक्जुडेट फ्रॉम नोस्टिल्स इस वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं फॉर्म फ्रॉम द ड्यू टू फॉर्म अडीमा सबसे जो मेजर लीजन होगा वो होगा पल्मोनरी पल्मनरी ऑफ लंग्स दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका साइन है वो है कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो है पल्मोनरी फॉर्म की है कार्डिक फॉर्म उससे कम मोर्टैलिटी कॉज करता है मिक्स फॉर्म उससे भी कम और जो हॉर्स फीवर है वो बहुत माइल्ड फीवर है तो टिपिकली फॉर्म रिक, की बात करें तो इसमें फीवर थ्री टू तो सिक्स डेज तक रहता है अडीमा ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल फोसा ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है इस सब अक्यूट कार्डिक फॉर्म का इसमें पूरे फेस पे पूरे हेड पे चीक्स पे नेक पे अडिमा इन्फ्लॉमेशन शो होगा और पेटिशियल हेमरेजिस दिखेंगे भी मतलब इसमें डिजीज़ में होगा, पैरालिसिस ऑफ ओसोफेगस अपीरेंस ऑफ कोलिक साइंस एंड डेथ ड्यू टू कार्डिक फेलियर इस डिजीज में जो डेथ होगी वो ड्यू टू कार्डिक फेलियर होगी जैसे हम इस हॉर्स में देख सकते हैं कि स्वेलिंग ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ऑर्बिटल फोसा सब एक्यूट कार्डिक फॉर्म डिकॉप फॉर्म में स्वेलिंग ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल फोसा इस इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं जैसे स्वेलिंग ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल फोसा कंजेशन ऑफ कंजक्टाइवा जो कि पर एक्यूट और सब एक्यूट दोनों फॉर्म्स में था और ये नोस्ट्रल में से फॉर्म का ऊज आउट होना ये पर अक्यूट फॉर्म पल्मोनरी फॉर्म में था अगर हम मिक्स्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें जो इस मिक्स फॉर्म में दोनों के सिम्टम्स आते हैं पल्मोनरी डिजीज के भी और कार्डियक फॉर्म के भी और माइल्ड जो फॉर्म है हॉर्स सिकनेस फीवर ये बहुत कम लीस्ट सीरियस है माइल्ड फीवर एनोरेक्सिया डिस्नोफिया एंड एक्सेलरेटेड हार्ट रेट और इसमें रैपिड रिकवरी हो जाती है रीजंस की अगर हम बात करें पर एक्यूएट फॉर्म में जो मेन रीजन आता है वो है अडीमा ऑफ लंग्स पल्मोनरी फॉर्म है तो अडीमा ऑफ लंग्स और हाइड्रोथोरक्स और कार्डिक फॉर्म में जो मेन रीजन है वो है हाइड्रोपे पेरिकार्डियम अडीमा इन एपी इसमें डेथ किससे होती है ड्यू टू कार्डिक फेलियर इस फॉर्म में डेथ जो होती है वो कार्डिक फेलियर की वजह से होती है जैसे हम अगर लीजन देखें तो हाइड्रोपेरिकार्डियम ली, हाइड्रोपेरिकार्डियम लीजन है कार्डिक फॉर्म का और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंट्रामस्कुलर टिश्यू ये भी कार्डिक फॉर्म में ही होता है ये लीजन है हाइड्रोथोरेक्स पर फॉर्म का डायग्नोसिस हम सेम करेंगे जैसे हमने ब्लू टंग डिजीज का किया था जैसे कि क्लिनिकल साइंस से वायरस के आइसोलेशन से वायरस के कल्टिवेशन से सीरोलॉजिकल टेस्ट से अब वायरस का जो कल्टिवेशन है हम एम्यूनेटेड एक्ट पे करते हैं ठीक है इंट्रावेनस इनोकुलेशन थर्टीन से फिफ्टीन डे ओल्ड एम्यूनेटेड एक्स पे इसका कल्टिवेशन करते हैं सेल कल्चर जो हम यूज़ करते हैं बी एच के ट्वेंटी वन बीरो सेल्स एंड इंसेक्ट सेल्स ये सब सेल्फ सेल कल्चर यूज करते हैं और ये इन सबको बोलते हैं सेल लाइंस जिन पे हम वायरस को ग्रो करते कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एनलिस द सेल लाइंस तो हम इन लाइंस के नाम सेल लाइंस के नाम लिख सकते हैं बीएच के ट्वेंटी वन वेरोसेल्स सेल्स इंसेक्ट सेल्स अगर हम अब दूसरे जीनस की बात करें रियोविरिडी फैमिली में रोटा वायरसेस जिनमें भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो इनका रेप्लिकेशन सेम होगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दो स्टैंड होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो सिर्फ नेगेटिव स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है ये एक पॉजिटिव स्टैंड बनाता है और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड से ट्रांसलेटेड प्रोटींस बनते हैं और ये एक तरह का टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव पॉजिटिव सेंस जो आरएनए है वो नेगेटिव सेंस आरएनए बना के डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना के ये दोनों कंबाइन होकर इन दोनों की असेंबली हो जाती है विरियन पार्टिकल में और ये सेल्स लाइसिस के थ्रू होस्ट सेल्स से रिलीज हो जाते हैं तो ये सेम एप्लीकेशन होगा रोटा वायरसेस का भी रोटा रोटा वायरसेस जो है वो एंटराइटिस कॉज करते हैं एंटराइटिस और इनको हम गैस्ट्रो एंट्राइट गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज करते हैं जिनमें डायरिया और वॉमिटिंग मेन सिम्टम्स है इनका जो ट्रांसमिटर होता है वो फीकल ओरल रूट से होता है और रोटा रोटा वायरल एंटराइटिस जो है इनको हम और किस किस नाम से बोल सकते हैं न्यूनिटल डायरिया काफ स्कोर एंड मिल्क स्कोर इन इन इनके नाम से हम इनको रोटावायरल एंटराइटिस को जानते हैं डायरिया न्यूनेटल डायरिया मेजरली मेजर दो वायरसेस से होता है रोटा वायरस एंड कोरोना वायरस तो अगर हम रोटा वायरस की फैमिली की बात करें तो रियोविडी फैमिली में जीनस रोटा और स्पीशीज ए होस्ट रेंज ये बोवाइन हॉर्सेस सब पे इनके नियोनेट्स पे ये वायरस अफेक्ट करता है नियोनेट्स के जो मेजरली इसका जो ससेप्टेबल पीरियड होता है इस वायरस का वन वीक टू एट वीक होता है जैसे अगर हम इसकी बात करें तो अगर जब एनिमल बॉर्न होता है उसके फर्स्ट वीक तक वो प्रोटेक्टेड रहता है ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडीज फर्स्ट वीक से वीक तक वो ससेप्टेबल रहता है मतलब इस, इस रोटा वो इस पीरियड में कम हो जाती है रोटा मीन्स होता है वी क्योंकि इसमें ट्राई स्पै ट्रिपल स्पेरिकल कैप्सिड लेयर होती है जैसे हमने और भी वायरसेस में डिस्कस की थी तो सेम इसमें भी ट्रिपल कैप्स लेयर होता है और रजिस्टेंट टू दिस दीज क्योंकि इसमें थ्री लेयर ये वायरस है तो ये रजिस्टेंट होता है टू एसिडिक पीएच ऑफ स्टोम एंड डाइजेस्टिव एंजाइम इन गट इसी वजह से ये जो है एंटेराइटिस और गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गट कॉज कर सकता है क्योंकि ये उसके एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक से रजिस्टेंट होता है ये भी एक सेगमेंटेड जीनोम होता है इस वायरस का भी तो सेगमेंटेड जितने भी जीनोम होंगे दे आर टू जेनेटिक ये एक थ्री थ्री लेयर्ड लेयर्ड वायरस है जिसमें आउटर कैप्सिड इंटरमीडिएट और इनर कैप्सिड प्रेजेंट होगा सेगमेंटेड या फिर मल्टीपार्टेड इसका जीनोम होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होगा रियोविरिडी फैमिली में पूरे में डबल स्टैंडर्ड आर ही जीनोम है और ये जो सेगमेंटेड yeah. फी, में ये वायरस प्रेजेंट होगा उसके बाद जब हेल्दी एनिमल इसको इस वायरस को इंजेस्ट कर लेगा तो उसमें इसका इंक्यूबिशन पीरियड वायरस का टू टू फोर डेज है और रेप्लिकेट करेगा उसके गट में स्टोमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि ये वायरस रेजिस्टेंट है टू एसिडिक ट्रिपल लेयर और ये मेजरली में जाके इन्फेक्ट करेगा एंटेरोसाइड्स को और विलाई ऑफ को सॉरी विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा तो विलाई के जो फंक्शन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस ये वायरस कॉज करेगा इन विलाई ये, ये वायरस जो है विलाई की एट्रॉपी कर देगा विलाई को डिस्ट्रॉय कर देगा डैमेज जो होंगे मतलब जिनमें जो विलाई थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इससे फूड का प्रॉपर एबजॉर्बशन नहीं हो पाएगा और जो विलाय है वो जो लैक, लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी ये जो एंजाइम है ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो जो एनिमल है उसमें क्या हो जाएगा, जाएगा, जाएगा मिल्क मैनिफेस्टेशन में, में 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 तो देखें तो गैस्ट्रोट गैस्ट्रो ये कॉज करता है वायरस गैस्ट्राइटिस में वॉमिटिंग वा, होती है और एंटराइटिस में डायरिया होता है इन दोनों की वजह से बॉडी में काफ्स के डिहाइड्रेशन हो जाता है मेजरली काफ्स रिकवर कर जाते हैं थ्री टू फोर डेज में बट ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन काफ्स की डेथ भी हो सकती है और ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस जैसे वॉमिटिंग वा, वा, वाटरी डायरिया दोनों क्लिनिकल साइन है पो, पोस्टमार्टम में हमको गैस्ट्रो एंट्राइटिस देखने को मिल सकता है अगर हम सैंपल कलेक्शन की बात करें तो अगर एनिमल लाइव है तो हम उसके फीकस, फीसिस का सैंपल कलेक्ट करेंगे एंटीमोटम और अगर वो डेड है तो उसके इंटस्टाइन इंटस्टाइन या फिर इंटस्टाइनल कंटेंट को सैंपल कलेक्ट करेंगे लैब टेस्ट वायरल डिटेक्शन एलिजा आर टी पी सी आर डी एन ए सिक्वेंसिंग और इसका प्रिव, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी वैक्सीन कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम में अगर कोलेस्ट्रम कौ, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज होंगी जो कि इस वायर जो कि न्यूनेट्स को इस वायरल इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है और हाइजेनिक कंडीशन से हम इस वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर रोटा वायरस से होने वाले डायरिया की अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखें स्मॉल इंटरस्टाइन की तो नॉर्मल विलाए हैं बिफोर इन्फेक्शन और आफ्टर इन्फेक्शन ये शॉर्ट हो जाती है और फ्यूज हो जाती है विलाय जो होती है शॉर्टन एंड फ्यूज विलाय तो इससे लाक्टेज जो एंजाइम है उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता और अनडाइजेस्टिड मिल्क जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ऐसे ही वो मिल्क एक्सक्रीट हो जाता है अनडाइजेस्टेड तो ये डायरिया न्यूनिटल डायरिया या फिर मिल्क स्कॉर जैसे ये एंजाइम नॉर्मल जो विलाई थी वो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है पर बाद में वो नेक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती शॉर्ट हो जाती है और फ्यूज हो जाती है शॉर्ट एंड फ्यूज ओ सॉरी एल्विलाई विलाई अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें जो पहले एग्जाम्स में आए हैं जैसे रियो टर्म रेस्पिरेटरी Which of the following is इन दोनों आर्थोपोड से, तो से ट्रांसमिशन होता है इन वायरस का जिनका बायोलॉजिकल वैक्टर आर्थोपोड है नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन ऑर्बी वायरस जीनोमिस टेन ब्लू टिजीज कॉज बायरस कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ

के ट्वेंटी वन एंड वीरो सेल्स ट्रांसमिशन ऑफ बी टी वी एंड अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस इज बाय क्यूलिकॉइड स्पीशीज ऑफ आर्थोपोड्स फॉर्म्स ऑफ अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज इज पल्मोनरी फॉर्म कार्डियक फॉर्म मिक्सड फॉर्म मिक्स माइल्ड फॉर्म पल्मोनरी फॉर्म डनकोफ फॉर्म सिम्टम एंड लीजन सिम्टम uh, क्या था फ्रोटी फ्रोथी एक्सोडेट फ्रॉम नोज एंड कंजिस और लीजन था हाइड्रोथोरिक्स अडीमा ऑफ लंग सब एक्यूट कार्डिक सब एक्यूट कार्डिक फॉर्म में जो सिम्टम्स थे वो कौन कौन से थे अडिमा ऑफ सुपर ऑर्बिटल फोसा एंड कोलिक साइंस जो कि पैरालिसिस ऑफ ओसोफेगस

जिनका आर एन ए है वो है रियोवेरिडी एंड बिरनावेरिडी फैमिली से आर्बो वायरसिस कौन कौन वो वायरसिस है जिनका ट्रांसमिशन आर्थोपोर्ट बैक्टर्स से होता है कल्टिवेशन हम ऑफ ब्लू ब्लू टंग वायरसेस कैसे कर सकते हैं सेल लाइंस पे कर सकते हैं बी एच के ट्वेंटी वन या फिर सेल लाइंस जो कि हम यूज करते हैं क्योंकि वायरस को हम सिंपली आइसोलेट नहीं कर सकते उसके लिए हमें होस्ट सेल लाइंस चाहिए से होते हैं कोरोना एंड कोरोनावायरस एंड रोटा वायरस एसोसिएटेड विद डायरिया अबॉर्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन मेनली जो जो रोटा वायरस है और कोरोना वायरस है वो मेनली डायरिया कॉज करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि बहुत सिंपल है अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें डबल स्टैंडर्ड आर के या और भी वायरस या फिर की तो सबसे पहले वायरस है क्लैथरीन कोटेड रिसेप्टर में बाइंड होता है उसके बाद ये जो क्लाइथरिन इसको सराउंड सराउंड करके करके वायरस को में लेते हैं इस में क्या होती है कि पीएच बहुत ज्यादा लो होती है इस लो पी की वजह से इस वायरस की अनकोटिंग हो जाती है और ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो पार्टिकल है वो में रिलीज हो जाता है इन जो वायरसेस हैं आरएनए वायरसेस इनका मेजरली जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन रिलीज होने के बाद साइटोप्लाज्म में तो इसका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंड सेंस सेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस स्टैंडर्ड और नेगेटिव सेंस स्टैंड अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जब ट्रांसक्राइब होता है ये तो ये नेगेटिव सिर्फ ये वाला स्टैंड ट्रांसक्राइब होता है नेगेटिव स्टैंड और ये पॉजिटिव स्टैंड बना लेता है आर एन ए का अब ये पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है आरएनए का ये ट्रांसलेशन होके इसका प्रोटीन बनते हैं और यही जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है ये क्योंकि एक्सेस पे प्रोड्यूस होता है कि तो इसके दो फंक्शंस होते हैं तो ये एक तरह के टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर स्ट्रैंड ऑफ आर तो ये पॉजिटिव सेंस आर जो है वो नेगेटिव सेंस आर बना लेता है और क्योंकि ये प्रोजेनिका जीनोम बन गया और ये प्रोजेनिका प्रोटीन इन दोनों के असेंबली होके विरियन पार्टिकल जो है सेल लाइसिस के थ्रू होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है थैंक यू ऑल फॉर लिस्टिंग